हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटा, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। अब देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 में क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब देखो बेटा, इसमें है क्या, इसमें देखो हमने ये पढ़ना है कि अंग्रेज सरकार ने कैसे इंडस्ट्रीज चला दी और कैसे हमारे जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनको बर्बाद कर दिया। अजीब अजीब सी पॉलिसीज चला के, जिसमें सबसे फेमस है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या है और कैसे इससे हमारे जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे वो बर्बाद हो गए। आगे देखो, और जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर ग्रोथ करी, उन्होंने इंडिया के छोटे छोटे लेवल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। आप खुद सोचो भी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों? क्योंकि वो तो अपने बारे में सोच रहे थे, उन्होंने तो कभी हमारे इंडियंस के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है, चलो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। पहला डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशन, दूसरा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सबसे पहले डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। आज हम हैंडीक्राफ्ट के युग के बारे में पढ़ेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो हमारे कारीगर थे, उनको कैसे बर्बाद करा गया प्रियोर टू द ब्रिटिश रूल। अब देखो, अंग्रेज सरकार से पहले हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया, जो इंडिया में कलाकार थे, कारीगर थे, इंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। जब अंग्रेज सरकार नहीं थी तो हमारे जो कारीगर थे उनको बहुत मान सम्मान मिला करता था उनके काम के लिए, उनके गुणों के लिए। जब से अंग्रेज सरकार आई, बट द ब्रिटिश रूल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर डिके। तो जो अंग्रेज सरकार के आने के कारण जो हमारे कारीगर थे वो बर्बाद होने स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने ऐसी पॉलिसी चला दी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, जिसकी डिस्क्रिमिनेशन करी गई बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाई थी, किनको बर्बाद करने के लिए, हमारे कारीगरों को बर्बाद करने के लिए। और हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ये देखो, हमारे कारीगर इतने अच्छे हुआ करते, देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया करते थे। देखो, कोई आजकल से बनवा ले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना सुंदर बना तो वो भी हाथ से। देखो, हर एक चीज़ कितनी ध्यान से और कितनी सुंदर, चाहे वो पिक में है फिर भी देखो कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है हर एक चीज़ का व्यू, है ना। ये देखो ध्यान से, है ना। तो आगे देखो, इसमें देखो कलर करा हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना। इसमें देखो एक एक चीज़ जो है कारीगरों की बनाई हुई है। ये देखो पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये देखो ये घड़े नज़र आ रहे हैं, है ना। ये देखो लैंप नज़र आ रहा है, कितना सुंदर पड़ा है ना। इवन कि ये जो जिसके ऊपर ये चीज़ें रखी हुई हैं वो भी देखो कितना सुंदर है ना। और देखो ये जो नीचे पड़े हैं हमारे पिक्चर्स, है ना, ये कितने सुंदर हैं। ये पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये कितने सुंदर हैं। ये बर्तन बनाए हुए ये देखो कितने सुंदर हैं, है ना। ये देखो, तो इस तरीके से ये देखो हाथ से बनाई हुई हमारी लेडीज़ की दरियाँ, है ना, कितनी सुंदर हैं। कोई आजकल बना सकता है ऐसी? बिल्कुल भी नहीं। देखो कितनी कलरफुल है ना हर एक चीज़ के बारे में। चलो बेटा, आज हम अब जो है मैं आपको समझाने वाली हूँ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। स्टेट की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के बारे में आपको समझा रही हूँ। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसिडेड विद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ठीक है, जो स्टेट की जो है टैरिफ पॉलिसी उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। ये पॉलिसी थी क्या और इसने वर्क कैसे करा। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसिडेड विद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री थी उसकी क्रांति के बारे में बात करी गई है। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो अंग्रेज थे उनको इंडिया एक रॉ मटेरियल के तौर पर मिल गया, एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और देखो मतलब क्या था कि इंडिया से रॉ मटेरियल जो था उगता था, किसान उगाते थे, वो अपनी कंट्री में ले जाते थे और वहाँ से चीज़ें तैयार करके हमारी कंट्री में ले आते थे। अकॉर्डिंगली अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वॉज परस्यूड। और इससे टैरिफ पॉलिसी के दो पॉइंट थे जिनके कारण इनकी कॉन्ट्राडिक्शन करी गई। एक है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। टैरिफ फ्री यानी कि टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाया जाता था लेकिन बिना टैक्स के, और वहाँ से चीज़ें बनाकर लेके आई जाती थी इंडिया में, वो भी बिना टैक्स के। ठीक है, बट एट द सेम टाइम के ऊपर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, हाथ से काम करने वाले कलाकार थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, एज अ कंसिक्वेंस और नतीजा क्या निकला, वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग द इंडियन मार्केट। यानी कि जब हम इंडिया में जो ब्रिटिश
प्रोडक्ट थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे थे, गेन कर रहे थे, तो जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो लॉस कर रहे थे, वो घाटे में जा रहे थे। ठीक है, आगे है बेटा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसेसली कोर्ट। आगे क्या होता था, आगे जो भी फैसले होते थे वो राजाओं की कोर्ट में हुआ करते थे, नवाब्स की कोर्ट में हुआ करते थे, लेकिन फिर हुआ क्या, जो हमारी अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार आई, तो अंग्रेज़ सरकार के होते हुए उन्होंने अपने हाथ में फैसले ले लिए, और इससे क्या हो गया, इससे लोगों को सही तरीके से इंसाफ नहीं मिलता था। तो और वैसे भी जो हमारे कलाकार थे ना, कारीगर थे, उनकी राजा बहुत कदर किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने राजाओं का राज ही अपने कब्जे में कर लिया। ये देखो प्रियोर टू ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज़ सरकार से पहले नवाब्स, राजाज, प्रिंसेस, एम्परर्स रूल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में जो थे राज करते थे, कौन, राजाज, प्रिंसेस, नवाब्स। दे यूज टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। दे यूज टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट, यानी कि वो क्या करते थे, जो कारीगर थे उनको दे यूज, मतलब कि वो जो कारीगर थे ना उनकी कद्र किया करते थे, क्यों, इसी के कारण क्या था, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेपुटेशन बढ़ती थी। ठीक है, इसी कारण कारीगरों की रेपुटेशन बढ़ी हुई थी, क्योंकि जब राजा और महाराजा सम्मान करेंगे तो कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचो, जो ताजमहल है, जो लाल किला है, उनको बनवाने के लिए कितने दूर दूर से कारीगर बुलवाए गए थे नक्काशी करने के लिए। तो कॉन्सिक्वेंस, नतीजा क्या निकला था, हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड डिकेइंग, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले कलाकार थे उन्होंने डूबना स्टार्ट कर दिया, उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया। आगे है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, और वही बात है कि मशीन से बनाए हुए प्रोडक्ट सस्ते थे, उनको उनमें सफाई ज़्यादा होती थी, इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट थे उनका सामान बिकना बंद हो गया, क्योंकि उनकी मेहनत लगती थी तो उनका सामान महंगा होता था। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट, ये देखो ये कम कॉस्ट के थे प्रोडक्ट एंड गिव अस टफ कंपटीशन, ये बहुत गहरा कंपटीशन दिया करते थे टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। ऑल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट आउट एक्सल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रसीजन एंड क्वालिटी, ये देखो मशीन के बनाए हुए प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छे होते थे। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस, तो जो कंपटीशन था उन्होंने इंडिया के जो क्राफ्ट मैन थे, जो अच्छे कारीगर थे, उनको अपना बिजनेस ठप करने के लिए बंद कर दिया। तो आगे न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि वही चीज़ है कि जो लोग थे वो अब अंग्रेजों के कल्चर को अपना चुके थे। अब जैसे हम भी तो लोग अंग्रेजों का कल्चर अपना चुके हैं, हम पंजाबी सूट आजकल गर्ल्स बहुत कम पहनती हैं, आजकल क्या करेंगे, हम जीन्स वगैरह पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बुरा मत मानना लेकिन ये बात सच है बेटा। ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपना चुके हैं, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, इतना ज़्यादा हम जो है उसको अपनी लाइफ में जगह दे चुके हैं। तो वो भी है, जिस तरह का हम कल्चर अपनाएंगे उसी तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, उसी तरह की चीज़ों को हम डिमांड करेंगे। जैसे आजकल सूट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितने जीन्स वगैरह की है ना। ऑइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ये देखो ब्रिटिश कल्चर के इम्पैक्ट के कारण अ न्यू क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया, इंडिया में एक नई क्लास का जन्म हुआ, विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न जो है लाइफ स्टाइल, जिन्होंने पश्चिमी सभ्याचार अपना लिया। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड, इस चीज़ ने लोगों के डिमांड को चेंज कर दिया, इंडियन प्रोडक्ट थे वो कम होने लगे और अंग्रेजों के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगे, और अंग्रेजों के प्रोडक्ट बिकने के कारण इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठप करनी पड़ी। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, और जब इंडिया में रेलवे का जन्म हुआ तो वहाँ से अंग्रेजों को बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें पहुंचानी उनको इजी लगने लगी, तो जो कारीगर थे उन्होंने अपनी चीज़ें खुद पहुंचानी थी और उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के पास रेलवे लाइन आ गई, तो अंग्रेजों का बिजनेस फैलने लगा और जो कारीगर थे उनका बिजनेस बंद होने लगा।
विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड वाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट. ये देखो जो इंडिया के हाई कॉस्ट प्रोडक्ट थे वो तो महंगे लगने लगे बाहर वाले देशों को, तो उन्हें जो अंग्रेजों का सामान था वो पसंद आने लगा. क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम पड़ती थी तो अंग्रेज सरकार अपने सामान की कीमत भी कम लगाती थी. लेकिन जो हमारे थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उनकी चीज़ें महंगी थी और उन्हें जाना भी खुद पड़ता था, तो इसलिए उनकी कदर जो थी दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. तो अब मैंने आपको इतना समझा दिया, ये जो ब्लीक ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री है इसमें कुछ नहीं है, ये आप पॉइंट खुद रीड करोगे, समझ में आई बात, आपके बुक में है पेज नंबर 12 के ऊपर. इतना कंसेप्ट तो अभी आप लर्न कर ही सकते हो, इतना तो आप अभी पढ़ ही सकते हो, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट उठाऊंगी. इस वीडियो में आपके लिए इतने, थैंक यू बेटा जी.